हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूँ फ्लूइड डायनेमिक्स के रिवीजन के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स का रिवीजन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे से बेटा इनको दिमाग में बैठाने ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर पाए इसके। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स के साथ। बेटा फ्लूइड डायनेमिक्स में जो मेन चीजें हैं वो दो ही हैं, एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक है बर्नौलीज थ्योरम। बेटा देखिए, अभी हम डायरेक्टली बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, कोई भी दाएं बाएं बातचीत नहीं है ना। तो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये क्या चीज है, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पाइप है जिसमें एक तरफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा मोटा है और दूसरी तरफ क्रॉस सेक्शन पतला है। ठीक है, अब यहाँ पे जहां पे क्रॉस सेक्शन थोड़ा छोटा है, ये बेटा सब लोग समझ सकते हैं पानी कहाँ तेज चल रहा होगा। पानी डेफिनेट है पतली वाली जगह पे तेज चलता है, पाइप से पानी आ रहा होता है, पाइप का क्रॉस सेक्शन को आप दबाओ तो पानी तेज जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब एरिया कम करते हैं तो वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पे। पर यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी में रिलेशन क्या हो, मान लो ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ये वेलोसिटी यहाँ पे V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए V2 है। ठीक है, तो बेटा पहली बात, बेटा जो फ्लो रेट होता है, बेटा पता है वो क्या होता है, फ्लो रेट होता है अगर एरिया ए है और वेलोसिटी बी है, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम निकलेगा उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम निकलेगी उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना। तो बेटा वेलोसिटी क्या होती है, मीटर्स पर सेकंड होता है यूनिट, एक सेकंड में कितना मीटर्स चलेगा। तो अगर वी वेलोसिटी है तो वी डिस्टेंस पीछे का फ्लूइड इसको क्रॉस कर जाएगा, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ए इंटू वी विल बी फ्लो रेट, तो क्यू विच इज फ्लो रेट इज ए इंटू वी। क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, हम समझ पाए, बिल्कुल बहुत ही आसान है। बेटा जो वी डिस्टेंस पीछे पानी है वो इससे निकल जाएगा, जो वी डिस्टेंस पीछे है वो तो निकल ही जाएगा क्योंकि वो वी टर्न करेगा तो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो बेटा जो फ्लो रेट होगा प्यारे बच्चों, फ्लो रेट होगा ए इंटू वी। फ्लो रेट क्या होगा प्यारे बच्चों, ए इंटू वी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये है वॉल्यूम फ्लो रेट। और मास फ्लो रेट क्या होता है, बेटा इतनी वॉल्यूम निकलेगी तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इतना मास निकलेगा, जो डीएम बाई डीटी होगा, कितना मास निकल रहा है पर सेकेंड, वो जाएगा रो ए वी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम, सॉरी मास फ्लो रेट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास जो एक सेकंड में निकलेगा, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा क्यू जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो हो गया ए इनटू वी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा देखिए होता क्या है, बेटा यहाँ पर डेंसिटी और यहाँ पर डेंसिटी, बेटा हम लोग हमने जितना भी फ्लूइड पढ़ना है बेटा फ्लूइड डायनेमिक्स में, वो इनकॉम्प्रेसिबल होगा, दैट इज फ्लूइड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। अब कॉम्प्रेस नहीं हो सकता और डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो बेटा इसका मतलब, अब बेटा देखो किस कंडीशन में, बेटा यहाँ पर जितना पानी आ रहा होगा सोच के देखिए, उतना ही तो पानी यहां से निकल जा रहा होगा। बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अंदर कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी ना, कि आज मेरे पास आप 100 लीटर पानी लेके आओ, कल ब्याज के साथ 110 लीटर लेके जाओ, ऐसा तो होता नहीं है ना बेटा। लेकिन ये कंडीशन तब की है जब पाइप पूरा खचाखच भरा हुआ है, स्टेडी स्टेट की कंडीशन। ऐसा नहीं कि जब पानी आना चालू तो जितना आएगा उतना निकलेगा नहीं, लेकिन जब पाइप पूरा पूरा खचाखच भरा हुआ है, स्टेडी स्टेट की कंडीशन है, उस टाइम क्या होगा, जितनी वॉल्यूम आएगी एक सेकंड में उतनी निकल जाएगी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। लेकिन अगर कोई कह दे मान लीजिए कि इनकॉम्प्रेसिबल नहीं है, कॉम्प्रेसिबल है, तो फिर हम कहेंगे बेटा जितना मास एक सेकंड में आएगा उतना निकल जाएगा, रो वन ए वन बी वन है ना इज इक्वल्स टू रो टू ए टू बी टू। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ, है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बेटा, क्योंकि जितना मास आ रहा है उतना मास निकलेगा, स्टेडी स्टेट है, जितना एक जगह फ्लो रेट होगा उतना हर जगह फ्लो रेट होगा। क्या मैं आपको समझा पाया, यस बिल्कुल, बहुत ही आसान है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ए इंटू वी कैसे बताया बेटा, जो वी डिस्टेंस पीछे जो लिक्विड है, मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटा, वेलोसिटी होती है एक सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, तो वी लेंथ चलेगा, जो फ्लूइड यहाँ पे है वो सो क्रॉस कर जाएगा, तो ए इंटू वी हो गया फ्लो रेट। डीएम बाई डी टी आ गया रो ए वी, डीएम बाई डी टी क्या आ गया प्यारे बच्चों, रो ए वी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो बेटा जो मास फ्लो रेट होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इतनी वॉल्यूम निकलेगी तो इतना मास निकलेगा। अगर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो बेटा A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होगा एट स्टडी स्टेट, मैं फिर से बोल रहा हूँ एट स्टडी स्टेट, ठीक है ना। वैसे तो नीट और जेई मेंस टाइप जो एग्जाम होते हैं उसमें तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता स्टडी स्टेट मेंशन है या नहीं मेंशन है ना। रो वन ए वन इवन इक्वल टू रो टू A2 V2 कब लेंगे, जब कहते हैं कॉम्प्रेसिबल है, तो बेटा स्टडी स्टेट में जितना मास अंदर आ रहा होगा उतना निकल जा रहा होगा, क्योंकि अगर आए ज्यादा निकले कम तो पाइप फट जाएगा, क्लियर है। मतलब अगर आ ज्यादा रहा है और निकल कम ही रहा है लगातार,
तो बेटा पाइप में मतलब मास बढ़ता है, फिर तो पाइप फट जाएगा एक टाइम बाद, है ना? आई होप इट। ऐसा करते हैं बच्चों, मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी कभी तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2 ऐसे कह देंगे, कभी कभी कह देंगे ऐसे, एक पाइप है, दूसरा पाइप है ना, तीसरा पाइप है, इनसे पानी आ रहा है और जा रहा है अगले दो पाइप में, है ना? तो यहाँ पर मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन A1 है ना, और यहाँ पे रफ्तार जो है वो V1 है, इसका क्रॉस सेक्शन A2 है और रफ्तार इसमें V2 है, इसका क्रॉस सेक्शन A3 है, रफ्तार इसमें V3 है ना, इसका क्रॉस सेक्शन A4 है, रफ्तार इसमें V4 है, इसका क्रॉस सेक्शन A5 है, रफ्तार इसमें V5 है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा यहां से जो फ्लो आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो फ्लो रेट यहां से एंटर करेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू जो टोटल फ्लो आएगा उतना ही निकल जाएगा। बेटा बेसिक बात वही है, कंटिन्यूटी मतलब स्टेडी स्टेट में जितना पानी आ रहा होगा है ना उतना ही निकल जाएगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5, दैट इज इक्वेशन क्या बन जाएगी, A1 V1 प्लस A2 V2। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये जंक्शन लॉ की तरह ही बन गया, प्लस A3 V3 इज इक्वल्स टू A4 V4 प्लस A5 V5, है ना? मैं जानता हूं कि बेटा ये पांच टाइप का तो पांच पाइप वाली प्रॉब्लम तो कभी भी नहीं देखी है ना, ज्यादातर दो ही पाइप होते हैं, एक से आ रहा होता है पानी और दो से निकल जा रहा होता है। तो वहां क्या लगेगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 प्लस A3 V3, जितना आ रहा हुआ उतना दो में बढ़ जा रहा हुआ। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आइए अब एक दो क्वेश्चन फटाक से देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं बर्नौली की तरफ। आइए प्यारे बच्चों दो क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटे छोटे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, ताकि अपने को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है प्यारे बच्चों, एट स्टेडी स्टेट वाटर एंटरिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू वाटर लीविंग थ्रू अदर क्रॉस सेक्शन, दैट इज अगर एक सिंगल पाइप है, एट स्टेडी स्टेट फ्लो रेट विल बी सेम थ्रू ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन। ओके आइए क्वेश्चन करते हैं। अब वाटर flows through a pipe of internal diameter 20 cm at the speed of 10 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at the speed of 40 meter per second? मैं फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। Water flows through a pipe of inner diameter 20 cm at the speed of 10 meter per second. What should be the diameter of nozzle if the water is to emerge at the speed of 40 meters per second? Note करिए, थोड़ा सा स्लो करके सुन लीजिए, एक एक करके बेटा एक एक लाइन नोट करिए। वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ इनर डायमीटर 20 सेंटीमीटर, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ इनर डायमीटर 20 सेंटीमीटर एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ इनर डायमीटर 20 सेंटीमीटर एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वॉट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द वॉटर इज टू एमर्ज, वॉट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, नोजल का डायमीटर जहां से पानी बाहर निकलना है, इफ द वॉटर इज टू बी इमर्ज्ड एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। यहां नोजल का डायमीटर क्या हो ताकि 40 से बाहर निकले, यहां 10 है रफ्तार, डायमीटर है 10 मीटर पर सेकेंड, ओ सॉरी डायमीटर तो है 20 सेंटीमीटर, सॉरी, और वेलोसिटी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, वहां पे 40 है तो भैया बताना है वहां पे डायमीटर कितना हो। बेटा देखो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, आर को डी बाई टू कही तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये होता है एरिया, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है फ्लो रेट। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 10, और यहाँ डी कितना है 20, तो पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बाय 4, यहां का डायमीटर निकालना है, मान लो डी है पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 40, आया फिर से बता दे रहा हूं, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, पाई आर को लिख दीजिए डी बाय 2, पाई डी स्क्वायर बाय 4 ये हो गया एरिया, एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट, जितना आएगा उतना ही जाएगा, नहीं तो पाइप फट जाएगा या सुकड़ जाएगा। तो भैया ये कितना हो गया पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 4, पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा यार, सेम यूनिट रहेंगे दोनों तरफ, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 10 बराबर पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 40, पाई बाय 4 कट जाएंगे, पाई बाय 4 कट जाएंगे, 0 0 कट जाएंगे, 0 0 कट जाएंगे, डी स्क्वायर ये
20 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर है, 20 बाय 2 का स्क्वायर, दैट इज डायमीटर कितना आ गया 10। अब ये मत कहते ना प्लस माइनस 10, डायमीटर भैया कभी नेगेटिव ना होगा, अगर डायमीटर नेगेटिव हो गया तो अनर्थ हो जाएगा बाबूजी। आया, आप कह सकते थे ए वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वेलोसिटी 40 टाइम्स, तो एरिया को 1/4 करना पड़ेगा, एरिया 1/4 कब होगा जब डायमीटर हाफ होगा, 20 है तो यहां डायमीटर 10 होगा। अरे तो ओरली हो सकता था, नहीं आया, फिर से बोल दे रहा हूं, एरिया इनटू वेलोसिटी फ्लो रेट है जो कि कांस्टेंट होगा, एरिया इनटू वेलोसिटी फ्लो रेट है, एरिया इनटू वेलोसिटी फ्लो रेट है जो कि कांस्टेंट होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। तो फिर अगर कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा सिचुएशन, वेलोसिटी करनी है 4 टाइम्स तो एरिया करना पड़ेगा 1/4, एरिया किया 1/4 कब होगा बेटा, पाई डी स्क्वायर बाय 4, एरिया 1/4 कब होगा जब डायमीटर हाफ होगा, तभी तो एक 4 नीचे एक्स्ट्रा आएगा, तो डायमीटर हाफ 20 से क्या हो गया 10। और अगर आपको लगे ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, हम तो लिख लिख के दोबारा से सीखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो बेटा फिर क्या बोलेंगे, पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 4 इंटू वी 1 मतलब 10 बराबर पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 40, एक ही अननोन है डी को निकालो आएगा 10, एक ही अननोन है डी को निकालो आएगा 10। डायरेक्टली सोचने का तरीका, वेलोसिटी 4 टाइम्स तो एरिया 1/4, एरिया 1/4 डायमीटर हाफ 10, आया बिल्कुल आया। ऐसा करते एक क्वेश्चन और देख लेते, एक क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी पे, ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पहले बच्चा, रिवर ऑफ विड्थ 12 मीटर फ्लोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर मिक्सेस विद अनदर रिवर, हल्के हल्के बोलते ताकि आप नोट कर ले, अ रिवर ऑफ विड्थ 12 मीटर, प्लीज पॉज करते रहिए और नोट करते रहिए, अ रिवर ऑफ विड्थ 12 मीटर फ्लोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, अ रिवर ऑफ विड्थ फ्लोइंग एट, अ रिवर ऑफ विड्थ 12 मीटर फ्लोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, बेटा एक रिवर है जिसकी विड्थ है 12 मीटर फ्लोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, मिक्सेस विद अनदर रिवर, मिक्सेस विद अनदर रिवर ऑफ विड्थ 8 मीटर, इसकी विड्थ 8 मीटर है, विच इज फ्लोइंग एट 16 किलोमीटर पर आवर, फ्लोइंग एट 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब भैया ये क्या हुआ भैया, मतलब दो नदियां मिली और मिलके बन गई एक नदी, अ रिवर ऑफ विड्थ 12 मीटर फ्लोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर मिक्सेस विद अनदर रिवर ऑफ विड्थ 8 मीटर फ्लोइंग एट 16 किलोमीटर पर आवर and spreads in another stream of width 16 meter. अब ये कह रहे 16 meter की दूसरी river में जाके mix हो गई भैया, अब एक बन गई, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ठीक है। ये question है बेटा, ये 8 meter है, ये 12 meter है, 16 meter है, बस यहाँ पे रफ्तार पूछी क्या हो जाएगी, कह रहे depth of river हर जगह same है, अब area बेटा पता क्या होगा, depth हर जगह W है मान लो या D मान लो, 8 into D इसका area, 12 into D इसका area, 16 into D, आप समझ रहे हो ना, ये 16 और D इसकी डेप्थ है। अब बेटा A1 V1 आया, A2 V2 आया और A3 V3 जाएगा, करो भैया 12 D, ये इसका एरिया, आप समझ पा रहे हो ना, इसकी विड्थ जो डेप्थ जो वो D, 12 into D एरिया into 20 इतना आया, प्लस 8 into D इसका एरिया और into 16, A1 V1 प्लस A2 V2 इज इक्वल्स टू 16 इंटू डी इंटू वी, 12 इंटू डी A1 V1, 8 इंटू डी A2 V2, 16 इंटू डी A3 V3, बस खत्म। यहां से क्या बन जाएगा, DD को काटो, DD को काटो, और ये कितना गया 12 इंटू 20, ऐसा करते हैं 4 4 16, साफ लिखो भाई, 4 4 16, 4 3 12, फिर 4 को काटो, 4 1 4, 4 5 20, 5 3 15 और 8, तो V कितना आ गया प्यारे बच्चों, 23। फिर से बोलू, 12 इंटू डी इसका एरिया, ठीक है, इंटू वेलोसिटी, ये फ्लो रेट हो गया, 8 इंटू डी इसका एरिया इंटू इसकी वेलोसिटी 16, A1 V1 प्लस A2 V2 ये आया, और इसमें 16 इंटू डी इसका एरिया इंटू इसकी वेलोसिटी, DD को काट दिए पहले, फिर 16 को काटिए, 4 4 16, 4 3 12, 12 4 5 20, सॉरी, और
और 4 3 12, दो फोर थे ना, तो 15 + 8 23, तो बी कितना आ गया प्यारे बच्चों 23। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये हो गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब बेटा आज की आखिरी बात जो आपको सिखाना चाहता हूं, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। चलिए आइए बढ़ते हैं बेटा बर्नौलीज थ्योरम की तरफ। बर्नौलीज थ्योरम बेटा क्या है? बर्नौलीज थ्योरम है नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम से फाइनली एक इक्वेशन निकल के आ जाती है जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम बेटा जब हम अप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर हम थर्मल एनर्जी वगैरह की बात नहीं करते हैं कोई, हम खाली और खाली बात करते हैं। यहां पर सपोज करिए एक पाइप है जिसका एक क्रॉस सेक्शन h1 हाइट पे है ना, और दूसरा क्रॉस सेक्शन सपोज कर लीजिए h2 हाइट पे है ना। अब यहां पर जो प्रेशर है, सपोज कर लीजिए यहां पे प्रेशर p1 है, यहां पर प्रेशर p2 है, यहां एरिया a1 है, यहां एरिया a2 है। ठीक है, अब बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, यहां पर जो फोर्स आएगा p1 a1 आएगा, यहां पर जो फोर्स आएगा वो p2 a2 आएगा। ठीक है, और बेटा हम इसका वर्क डन प्लस ग्रेविटी, क्योंकि नीचे आ रहा है जैसे, तो ग्रेविटी का वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करते हैं। यहां पर हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी एनर्जी आवाज में कन्वर्ट नहीं, कोई थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं, दैट इज लेमिनार फ्लो। कैसा फ्लो है? लेमिनार, है ना बेटा। ऐसा नहीं कि इन वर्ड से आप मतलब रूबरू नहीं है, मतलब ये आपने वर्ड्स पहले भी सुन रखे हैं, ऐसा नहीं कि आप इन वर्ड्स का इंट्रोडक्शन नहीं है आपके पास। लेमिनार मतलब जो बिल्कुल जैसे जब आप टैप खोलते हैं हल्के चलाते हैं तो कुछ इस तरीके का फ्लो आता है, नीचे आते आते कुछ इस तरीके का होता जा रहा होता है, तो इसको बोलते हैं लेमिनार, है ना। और कभी कभी आप जब टैप खोलते हैं है ना, बहुत तेज चलाते हैं तो पानी ऐसे 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 मतलब इधर उधर भाग रहा होता है दाएं बाएं, तो बेटा जब लेमिनार होता है मैं कह सकता हूँ कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, एक फ्लूइड पार्टिकल दूसरे फ्लूइड पार्टिकल की पाथ फॉलो करता है, आगे वाले की पाथ फॉलो करता है। जबकि टर्बुलेंट में क्या होता है बेटा, इंटरमिक्सिंग हो रही होती है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है ना, पाइप को टकराते हैं है ना, तो पाइप को बार बार हिट करते, पाइप वाइब्रेट भी करता है, लेमिनार में शांति से जा रहा होता है। ठीक है, तो बेटा ये लेमिनार फ्लो के लिए है। ये ऐसी क्वेश्चन मतलब ये जो बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो बेटा बर्नौलीज थ्योरम जो डराइव करते हैं बर्नौलीज थ्योरम बेटा, वहां पर चार चीजें हैं, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन है ना, और लेमिनार और स्टडी है ना, स्टडी स्ट्रीमलाइन लेमिनार फ्लो पहली बात। दूसरी बात इनकॉम्प्रेसिबल है क्योंकि कॉम्प्रेस हो गया तो कुछ एनर्जी कंटेन कर लेगा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई जैसे आप स्प्रिंग को दबा देते हैं एनर्जी कंटेन कर लेता, फ्लूइड को भी दबा देंगे तो कुछ एनर्जी कंटेन कर लेगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसी हम कोई भी एनर्जी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल है, स्ट्रीमलाइन है। इसके बाद मैं कह रहा हूं कि मतलब देखो इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, कोई विस्कस नहीं, कोई थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है, इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, स्ट्रीमलाइन, स्टडी, लेमिनार, कुछ भी कह सकते हैं। और चौथी बात है रोटेशनल, घूम फिर नहीं रहा है। अगर घूमेगा तो बेटा कुछ मतलब जैसे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आप रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, तो हमको यहाँ पे घूमने वाली बेटा कितना घूम रहा है वो निकालनी मुश्किल रहेगी। तो पहला केस आइडियल पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज घूमने वाला इफेक्ट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इरोटेशनल फ्लो है। तो बेटा चार चीजें हैं, बेटा चार चीजें क्या हैं, इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, स्टेडी स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो, और चौथी बात है इररोटेशनल फ्लो है, रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट करेगा तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी। और यहां पर अब बेटा हम करते क्या है, यहां पर जब ये dx1 अंदर जाएगा मान लीजिए है ना, तो यहां से ये dx2 बाहर निकलेगा और dx2 जो होगा बड़ा होगा। ऐसा क्यों कह सकता हूं? क्योंकि बेटा यहां पे वेलोसिटी कम होगी, ये पतला है, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा, यहां पे पॉजिटिव वर्क डन, तो वर्क डन बाय प्रेशर जो आएगा वो आएगा, जो छोटा सा वर्क डन बाय प्रेशर आएगा वो आएगा p1 a1 dx1 है ना, और cos 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन, लेकिन इधर फोर्स इधर को आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो माइनस p2 a2 dx2 या p2 a2 dx2 * cos 180 कहेंगे। तो ये आ गया वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन। बेटा यहां से फ्लूइड गायब हो गया है और यहां पे आ गया है, इस जगह पे आ गया है, तो आप बाकी यहां पर पहले भी था अभी भी है, तो आप कह सकते हैं इस पे जो वर्क हुआ है बेसिकली जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज, आप कह सकते हैं यहां से गायब हुआ और यहां पे आ गया। ठीक है, तो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो कि क्या आ रहा है, रो डीवी, मान लीजिए ये जो वॉल्यूम है डीवी है, a1 dx1 या a2 dx2, जितनी दर से जाएगी अंदर उतनी दर से बाहर निकलेगी, तो p1 - p2 dv हो गया वर्क डन, और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ गया, रो डीवी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास हो गया, डीएमजी
H1 माइनस H2, ये क्या हो गया बेटा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, MgH1 इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ये थी, इसकी MgH2 हो गई, यहां से यहां तक पहले भी फ्लूइड था, अभी भी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी भी वही की वही है, तो जो चेंज आया वही यही चेंज आया, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां से यहां तक जो बेटा फ्लूइड था पहले भी था अभी भी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी वही है, काइनेटिक एनर्जी भी वही है, चेंज किस में आया, मैं कह सकता हूं यहां से गायब हुआ और यहां पे आ गया, इसी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। तो डीके क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा हाफ रो डीवी, हाफ रो डीवी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी is equal to change in kinetic energy, है ना? और जब बेटा आप ये put करेंगे, है ना? This plus this is equals to this, तो finally आपको मिलेगा क्या? Finally आपको मिलेगा P1 plus rho g H1 plus half rho V1 square is equals to P2 plus rho g H2 plus half rho V2 square. Clear? तो P plus rho gh plus half rho v square is constant, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब that is P plus rho gh plus half rho v square is constant, P ये क्या है, प्रेशर एनर्जी, है ना, मतलब ये बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जैसे mgh होता है अपॉन वॉल्यूम कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी है, P plus rho gh plus half rho v square is constant, P plus rho gh plus half rho v square is constant. आप आया है, this is nothing but Bernoulli's theorem. तो Bernoulli's theorem states that when the fluid is incompressible, non-viscous and when the flow is streamlined and irrotational, pressure energy, sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume is constant. Sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume is constant. और बेटा ध्यान से देखिए, पूरा फ्लूइड एक ही है, तो बर्नौली थ्योरम जब अप्लाई करनी है तो एक ही फ्लूइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां पर रोवन डेंसिटी का, यहां पर गुटू डेंसिटी का है, तो बर्नौली थ्योरम अप्लाई नहीं करते हैं। बर्नौली थ्योरम इज अप्लाइड व्हेन वी हैव जस्ट वन फ्लूइड, मतलब दो पॉइंट जो लेने, जहां पर आप बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं, जहां पर पी प्लस रूजी प्लस हाफ रू वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट करना चाह रहे हैं, वो पूरा फ्लूइड एक ही होना चाहिए। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, है ना, बाकी क्वेश्चन लूंगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये हो गई बेटा बर्नौलीस इक्वेशन, इसकी दूसरी फॉर्म होती है, इसको रो जी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या देगा, पी बाय रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाय 2g, दिस इज नया कांस्टेंट के डैश, इसको हम बोल देते हैं प्रेशर एनर्जी हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड या वेलोसिटी हेड भी बोल देते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हेड, कभी कभी ऐसा कह देंगे कि वेलोसिटी हेड या काइनेटिक एनर्जी हेड की वैल्यू हेड सपोज करिए 10, तो बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी, इसको 10 के बराबर करिए वेलोसिटी निकालिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, दिस इज बर्नौलीस थ्योरम। सो वी आर डन विद बर्नौलीस थ्योरम, व्हिच इज व्हेन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन स्टेडी और लेमिनार और एंड आल्सो व्हेन द फ्लो इज इररोटेशनल फॉर इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, देन सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, kinetic energy and potential energy per unit volume is constant throughout the flow or throughout the streamline. चलिए बढ़ते हैं आगे, इसकी applications देख लेते हैं बेटा, इसी की applications हैं basically जिस पे आपको questions मिलने हैं, और कोई भी चीज नहीं, इसकी applications पे ही question मिलने हैं आपको, है ना, जैसे सबसे simple होती है, जैसे मान लीजिए ऐसा है, ये pipe है, लेट से यहां पे एरिया A1 है, है ना, यहां पे एरिया A2 है, यहां पे जो वेलोसिटी है वो V1 है, यहां पर जो वेलोसिटी है लेट से वो V2 है, तो पहली चीज A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, पहली बात। दूसरी बात, दोनों सेम हाइट पे हैं, किसी भी पॉइंट से लेंगे तो दोनों सेम हाइट पे, ठीक है, तो बेटा आप लगाइए यहां पे बर्नौलीस थ्योरम, P1 यहां पे प्रेशर सपोज करिए P1 है, यहां पर P2 है, पूछ लेंगे कहां प्रेशर ज्यादा है कहां कम है, तो P1 प्लस रो जीएच प्लस हाफ रो
v1 square is equals to p2 plus rho gh plus half rho v2 square. ये बराबर है, कट गए rho gh rho gh. अब बेटा हम समझ सकते हैं जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, तो p plus half rho v square कांस्टेंट आ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ. ठीक है, तो p plus half rho v square कांस्टेंट, तो बेटा जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम होगा, तो P2 जो होगा वो P1 से कम होगा. फील भी कर सकते हैं बेटा यहां प्रेशर ज्यादा होगा, वही प्रेशर ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है. थोड़ा सा दबाव है, इतना नेग्लिजिबल सा समझ लीजिए दबाव है जिसके कारण प्रेशर है, और उसी ने लात मारी तो वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है. तो काइनेटिक एनर्जी बड़ी है तो किसी के कॉज पे ही बढ़ेगी, मतलब कोई ना कोई एनर्जी है जो डिक्रीज होगी, एंड ओवर हियर इज प्रेशर एनर्जी हैज डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, है ना. इसी को ही बना दिया जाता है वेंचुरी मीटर, जो कि आपके सिलेबस में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना. ये नीट जेईई मेंस एडवांस्ड हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है. कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर को ऐसे बढ़ा दिया, तो पहले बताइए जैसे ये सेंटर वाली लाइन है उससे यहां पे पानी मान लीजिए H1 हाइट पे गया और इससे मान लीजिए H2 हाइट पे गया, तो H1 बड़ा हुआ या H2? डेफिनेट है प्यारे बच्चों कि यहां पर बड़ा होगा H1. यहां पर बड़ा क्या होगा? H1 बड़ा होगा प्यारे बच्चों H2 से. H1 बड़ा होगा H2 से, क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो वो पुश कर देगा, लिक्विड ऊपर चला जाएगा. ये नहीं सोचिएगा यहां पे बाउंड्री ऊपर है बेटा, यहां प्रेशर ज्यादा. मैं इस पॉइंट से सेम लेवल पे प्रेशर की बात कर रहा हूं. और क्या यहां पर मैं कह सकता हूं P इक्वल टू PA प्लस rho gh एप्लीकेबल है? यस, बिल्कुल एप्लीकेबल है. क्यों? क्योंकि PA प्लस rho gh जब मैंने डिराइव किया था तो मैंने y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो किए थे. y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करने का मतलब है कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है. यहां फ्लूइड अगर x में फ्लो कर रहा है तो y में तो फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो y में नेट फोर्स अभी भी जीरो है. तो PA प्लस rho gh, यहां पे प्रेशर जो आएगा P2 जो प्रेशर आएगा वो आएगा PA प्लस rho gh2. यहां जो प्रेशर आएगा P1 वो आएगा PA प्लस rho gh1. आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है. अब ऐसा करते हैं फटाफट से अप्लाई कर देते हैं, PA प्लस rho gh1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों जगह सेम है rho gh, चलिए लिख लेते हैं. प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ rho v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA प्लस rho gh2, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. इसका सम कांस्टेंट करिए फटाफट से, ये काटिए, पोटेंशियल एनर्जी सेम है, PA काटिए, तो यहां से आ क्या जाएगा, rho g h1 माइनस h2 इज इक्वल्स टू हाफ rho v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. बेटा ये वेंचुरी मीटर होता है जिससे हम फ्लो रेट मेजर करते हैं, जिससे हम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मेजर करते हैं. तो आप जो भी निकालना चाह रहे हैं, सपोज करिए आप v2 निकालना चाह रहे हैं, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. अब a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि बेटा ये तो बिल्कुल सिंपल बात है ना, यहां पर जितना पानी आएगा उतना निकल जाएगा, है ना. तो हाफ रहो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाली, a2 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर v2 स्क्वायर. अब बेटा फटाफट से आप v2 यहां से निकाल सकते हैं, रो गया अंडर रूट 2g h1 माइनस h2 अपॉन 1 माइनस a2 बाय a1 का होल स्क्वायर. करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आ रहे. होप मैं आपको समझा पाया हूं. दिस इज वेंचुरी मीटर, है ना. तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको, जब भी बर्नौलीज का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो बेटा वो एक ही चीज पे है, और वो एक चीज पता है क्या है? वो एक चीज ये है कि आपसे कह देंगे, मतलब आपको दो चीजें लगानी होंगी, एक बर्नौलीज थ्योरम, है ना, और दूसरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है. हालांकि मैं नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं कि ये फॉर्मूला ही आपको याद हो जाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है ना. इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे. चलिए आइए बढ़ते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ, बर्नौलीज थ्योरम की. बेटा ये कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है,
बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ टॉरसलीज थ्योरम। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा छेद है जिसका एरिया आप A2 कह दीजिए, यहाँ पर एरिया A1 है ना। अब अगर ये बहुत छोटा होगा ना छेद बेटा, जैसे मैं देखो घंटे वाली सुई चलती तो है पर आपको क्या दिखाई देता है बेटा, अगर आप घंटे वाली सुई को देखें घड़ी में तो आपको दिखाई देगा वो रुकी हुई है, चल तो वो भी सेकेंड हैंड वाली चलती हुई दिखाई देती है क्योंकि वो काफी तेज चल रही होती तो आप देख पाते हैं। पर जो आर हैंड होता है बेटा वो आपको लगभग रुका हुआ दिखता है बेटा। वैसे ही उसी तरीके से अगर आप अपना टैंक देखेंगे, भले नीचे आपने टैप ऑन कर रखा है, आपको लगेगा कि फ्लूइड लेवल कम नहीं हो रहा है, जो लिक्विड लेवल है, जो वाटर लेवल है टैंक में वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा है ना। तो बेटा ये आपको नीचे आता हुआ महसूस नहीं होगा जबकि इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी V1। तो अगर कोई कह देगा A2 बहुत छोटा है, तो बेटा अगर ये बहुत छोटा है तो यहाँ पे वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, मतलब इस जगह पे वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। तो बेटा ये जो वेलोसिटी है, ये सपोज कर लीजिए ये हाइट है h, तो बेटा यहाँ पर जो प्रेशर है वो pa है, यहाँ जो प्रेशर है वो pa है, इसी को ही आपने डेटम ले लिया, दैट इज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब लगा दीजिए बेटा pa प्लस रो जी एच, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट pa, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर हाफ रो बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए प्लस रो प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो बी टू स्क्वायर। अब बी वन की वैल्यू कहां से निकालेंगे, ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू, दो ही चीजें लगनी है बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम है ना। और यहां से जो बी वन की वैल्यू है वो ए टू बी टू बाय ए वन, यहाँ पे आप फुट कर सकते हैं ए टू बी टू बाय ए वन। पी ए को गुस्से में आके काट दीजिए है ना, रो भी कट ही जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, भी लिखे रह देते हैं रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, तो वी टू स्क्वायर और वी वन स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए टू वी टू स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर, ए टू बाय ए वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर, तो वी टू की वैल्यू निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चों अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन माइनस ए टू बाय ए वन का होल स्क्वायर, अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन माइनस ए टू बाय ए वन का होल स्क्वायर। तो बेटा वी टू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन माइनस ए टू बाय ए वन स्क्वायर, तो ये आ गई वेलोसिटी। तो बेटा जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो निकल के आ रही वो आ रही अंडर रूट टू जी एच, एच उससे कितना ऊपर तक पानी भरा है, वन अपॉन वन माइनस ए टू बाय ए वन स्क्वायर। अब अगर ए टू ए वन के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अंडर रूट टू जी एच, क्योंकि ए टू बाय ए वन जीरो हो गया, ए टू अगर बहुत छोटा है ए वन से तो ये आ गई अंडर रूट टू जी एच, विच इज टॉरसलीज इक्वेशन। तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है दैट इज अंडर रूट टू जी एच इफ द होल इज वेरी छोटा, एंड अगर होल छोटा ना हो तो बन जाएगा अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन माइनस ए टू बाय ए वन स्क्वायर, अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन माइनस ए टू बाय ए वन स्क्वायर, अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन माइनस ए टू बाय ए वन स्क्वायर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ है ना, इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आराम से ही हम समझ सकते हैं। अब देखिए बेटा अगर कोई ये पूछ ले ये कितनी दूर जाके ये हिट करेगा ग्राउंड पे, जो यहां से जो बेसिकली निकल के आएगा, तो आगे प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए जो ग्राउंड से जो ऊंचाई है इसकी वो h है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी h माइनस h, क्लियर हो गया है ना। तो बेटा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में वो अंडर रूट 2h / g होता है, वेयर h इज कितनी हाइट से उसको फेंक रहे हैं, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ट्वाइस ऑफ h माइनस h ओवर g, और जो रेंज आ जाएगी प्यारे बच्चों रेंज आ जाएगी v into t है ना, v क्या है अंडर रूट 2 gh इंटू टी टू एच माइनस एच ओवर जी, जी को काटिए टू टू अंडर रूट टू टू मिल जाएगा टू एच इंटू एच माइनस एच, क्वाड्रेटिक मिल रही है एच में आपको, एच में क्वाड्रेटिक मिल जा रही है प्यारे बच्चों। तो कोई पूछ ले किस जगह पे छेद करे ताकि मैक्सिमम रेंज आए, तो या तो बेटा डी आर बाई डी एच को जीरो करिए, नहीं तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि बेटा जब भी क्वाड्रेटिक होती है, यहाँ पे एच में क्वाड्रेटिक है, अलग अलग एच पे रेंज की वैल्यू अलग आएगी, स्मॉल एच की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आएगी, एच स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो जो रेंज का ग्राफ आएगा एच के साथ
वो कुछ इस तरीके का है, एक रूट जीरो है और एक रूट एच आर है, एक रूट जीरो है और एक रूट एच आर है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां थी, सम ऑफ रूट्स बाय 2 पे, दैट इज एच बाय 2 पे वी विल गेट मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज विल बी ऑब्टेन्ड एट एच बाय 2। तो मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, स्मॉल एच को एच बाय 2 पुट करिए, एच माइनस एच बाय 2 ये भी एच बाय 2, तो एच बाय 2 हर है 2 कट जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज कितनी आ सकती है हाइट के बराबर, आर मैक्स इज इक्वल्स टू हाइट। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आर मैक्स जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, हाइट के बराबर आ रहा है, आर मैक्स इज इक्वल्स टू हाइट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। अब और क्या चीज है बेटा, देखिए बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो रेंज का ग्राफ आ रहा है किस तरीके से आ रहा है, वो इस तरीके से ग्राफ आया है, इसका मतलब यहां से तो जीरो पे गिरेगा, जब एच इक्वल टू जीरो पे छेद करें तो ऐसे गिर जाएगा पानी, यहां से थोड़ा दूर जाएगा, फिर और दूर जाएगा, फिर और दूर जाएगा, ये मैक्सिमम गया, फिर जब इधर आएगा फिर पास आने लग जाएगा, और पास आने लग जाएगा, और पास, और फिर जीरो, ठीक है। तो मैक्सिमम तब आएगा जब मिड पॉइंट पे छेद करेंगे, और मिड पॉइंट से जितना ऊपर और उतना नीचे छेद करेंगे तो बराबर जगह पे आके गिरेगा, सिमेट्रिक है उसके रूट, पैराबोला का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक, ठीक है। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं, ये पर्टिकुलर पोर्शन को आपको एक से दो बार देख लेना चाहिए कम से कम, और है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जैसा कि पिछला हमने केस किया कंटेनर में होल कर रखा है, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर क्या है बेटा, दो फ्लूइड है, एक का कॉलम है एच हाइट का, दूसरे का भी एच हाइट का, नीचे वाला टू रो डेंसिटी का, ऊपर वाला रो डेंसिटी का, ठीक है, सॉरी, इसके जस्ट मिड पॉइंट पे छेद कर दिया। अब बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या आएगा, ठीक है। वेलोसिटी के बाद बेटा अगर निकालना और रेंज वगैरह वो तो सब बिल्कुल पैरेलल है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या आएगा कैसे बताएंगे, तो बेटा देखो अभी बताया था जब बर्नौलीज अप्लाई करते हैं तो पूरा फ्लूइड सेम होना चाहिए, और अगर ये स्मॉल ऑरिफिस है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, यहां पर और यहां पर बर्नौलीज नहीं लगा सकते हैं, जब सेम डेंसिटी का हो तभी लगा सकते हैं, डेरिवेशन में ये बात बता दी थी मैंने आपको, इसीलिए डायरेक्ट किया। तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी यहीं पर जीरो ले लीजिए, कहीं ना कहीं तो जीरो लेनी, कहीं पर भी ले सकते, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी टू रो जी एच बाई टू, क्योंकि ये एच बाई टू और जस्ट मिड पॉइंट पे छेद किया। बेटा कई बार होता क्या है बच्चों के दिमाग में आता है कि यार ये तो रो जी एच बाई टू लिखते हैं, ये टू रो जी एच बाई टू, बस इसको बराबर करना है, यहां पे प्रेशर एनर्जी पी ए, पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी हाफ टू रो वी स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, पी ए गया, पी ए गया, रो जी एच प्लस रो जी एच टू रो जी एच इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर, वी कितना आ गया पहले बच्चों, अंडर रूट टू जी एच। यहां की प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहां की प्रेशर एनर्जी पी ए प्लस रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी टू रो जी एच बाय टू, काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि स्मॉलर एफिस है, पिछले केस में बता चुका हूं। अब बेटा देखिए बात सुनिए बहुत ध्यान से, एक बात और बताना चाहता हूं, आखिरी बात ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनेंगे, आखिरी बात ये है कि इसी को आप बिना बर्नौलीज करना चाहे एक ही लाइन में तो भी पॉसिबल है। एच हाइट का रो डेंसिटी का लिक्विड, सॉरी टू रो डेंसिटी का लिक्विड, ऊपर रोहो वाले ने रो जी एच यहां पर प्रेशर लगाना था एक्स्ट्रा, तो मैं कह रहा हूं ऊपर भी टू रोहो का ले लीजिए, तो उसकी एच बाई टू हाइट चाहिए होगी सेम प्रेशर जनरेट करने के लिए, उसी प्रेशर के कारण ही तो यहां पे फ्लो निकल रहा है। ऊपर कौन सा लिक्विड ऐसे मतलब नहीं, ऊपर प्रेशर क्या आ रहा है उससे मतलब है। अब ध्यान से देखिए, अब h by 2 ये चीज थी, h by 2 ये हो गया, h height का हो गया, तो अगर h height तक भरा हुआ तो कितनी वेलोसिटी से निकलेगा फ्लूइड, अंडर रूट टू जी एच। होल के ऊपर कहां तक पानी है, सेम पानी होना चाहिए, बस सेम फ्लूइड होना चाहिए, तो आप अंडर रूट टू जी एच कह सकते हैं, एंड दिस इज द आंसर, डायरेक्ट वही चीज। ये ना सोचे अंडर रूट टू जी एच, बेटा हो सकता है ये वहां पे आपको कह देते टू एच है, तो रो जी टू एच आ रहा था तो टू रो जी एच लेना पड़ता फिर, तो अंडर रूट टू जी एच तुक्का ना सोच ले कि अंडर रूट टू जी एच आंसर आ गया, बाई चांस आ रहा है ना, करने का तरीका समझे, बहुत ही आसान सी बात है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, कोई भी खास दिक्कत की बात नहीं है।
अब इसी पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी हमको कह देते हैं कि लिफ्ट कितनी आएगी एक एरोप्लेन के विंग पर। तो बेटा किस तरीके से करा जाएगा, देखिए ध्यान से, ये एक एरोप्लेन का विंग है यहां पर। अब इसकी रिस्पेक्ट में जो फ्लूइड है वो इधर आ रहा है, एयर इधर आ रही है, ऊपर तेजी से निकल जाएगी, मान लीजिए v1 रफ्तार है, नीचे कम, तो यहीं से इधर पहुंचे, यहीं से इधर, तो दोनों की जो एनर्जी होगी बराबर होगी। तो ऊपर p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, नीचे p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर बन क्या जाएगा, जो नीचे प्रेशर है p2, p1 ऊपर, तो p2 है माइनस p1 है, तो जो बेटा लिफ्ट फोर्स आ रहा है, जो लिफ्ट आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, p2 माइनस p1 इनटू a, विच इज हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इनटू a, दिस इज लिफ्ट फोर्स। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसी को मॉडिफाई करके दे देंगे, कह देंगे कि एक बिल्डिंग है, हवा इधर को चल रही है, यहां पे एक विंडो है ना, फ्लो वी वेलोसिटी से हो रहा है एयर का, तो बताना है कि इस पे मतलब जो छत है उस पे लिफ्ट फोर्स कितना रहा। बेटा अंदर तो एयर रुक गई, ऊपर वी से जा रही है, वही एयर इधर आ रही थी, वही एयर इधर आ रही है, तो यहां पे प्रेशर P2, यहां पे P1, तो बेटा वही जो टोटल एनर्जी यहां होगी वही यहां पे होगी। तो P2, क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा बराबर ही है, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे की बात करो, और ऊपर क्या है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, पोटेंशियल की दोनों जगह सेम है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की बात तो करेंगे नहीं, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ टाइप की सिचुएशन। तो बेटा कितनी आ जाएगी लिफ्ट, P2 माइनस P1 इनटू ए, दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर इनटू ए। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप बड़े ही आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, बहुत ध्यान से नोट करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए एक और लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं और खत्म करते हैं टॉपिक को। बेटा ये एक कंटेनर है भरा हुआ है, पाइप डाल के इसमें से फ्लूइड बाहर निकालने की कोशिश करी जा रही है। पूछ लेंगे कितने फ्लोरेट से पानी बाहर आएगा, क्या फ्लोरेट होगा पानी बाहर आने का। तो बेटा यहां पे और यहां पे लगा देंगे फटाक से बर्नौलीस, है ना। सपोज कर दीजिए ये चीज H1 है, ये H2 है, ये H3 है, और इसको भी एक नाम दे देते हैं यहां से यहां, ठीक है, इसको एक नाम देते हैं H4, ठीक है। ये कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पाइप बाई चांस में से यहां पे थोड़ा सा मोटा बन गया, समझे, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां और यहां पे बर्नौलीज लगाई और फिर कह रहे हैं कि एरिया ऑफ पाइप अगर बहुत छोटा है तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, बस पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे जीरो मान लेते हैं, किसी एक पॉइंट पे तो जीरो मानी। अब यहां पे फ्लूइड बाहर आ गया, ओपन टू एटमॉस्फेयर PA, प्लस पोटेंशियल की जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, मान लीजिए वी वेलोसिटी से पानी आ रहा है बाहर, यहां पे प्रेशर एनर्जी PA, पोटेंशियल एनर्जी रो जी H3, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो यहां से वी क्या जाएगा अंडर रूट 2G H3, खत्म, सिंपल, अंडर रूट 2G H3, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत ही आराम से हम समझ पाए हैं। आई होप बेटा ये तो बहुत आराम से समझ में आ पाया होगा आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, अंडर रूट 2G H3 इज द वेलोसिटी, क्लियर है। अब अगली बात आ जाती है, कभी कभी पूछ लेंगे यहां पे प्रेशर कितना है, तो यहां पे प्रेशर बेटा अगर आपको लिखना है तो यहां पे PA है, तो ये ना सोचे यहां पे PA माइनस रो जी H2 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है तो बेटा नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो वाली कंडीशन नहीं है, यहां से लिख सकते हैं, यहां पे PA है और PA माइनस रो जी H3, यहां का प्रेशर जो होगा वो PA माइनस रो जी H3 होगा, ये ना सोच ले कि सेम लेवल पे बेटा, अगर वेलोसिटी यहां आ गई है और यहां नहीं है तो वेलोसिटी बढ़ी है तो पक्का प्रेशर कम ही हुआ होगा, जो कि दिख भी रहा है PA माइनस रो जी H3, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पर कांस्टेंट है, और यहां पे PA माइनस रो जी H2 प्लस H3, PA माइनस रो जी H3 माइनस रो जी H2, सिंपल, इस तरीके से आप प्रेशर लिख पाएंगे। दिस वॉज सिफॉन ट्यूब। एक चीज बची हुई है बस उसको भी खत्म कर देते हैं, निपटा देते हैं भैया, उसको भी खत्म किया जाए, ड्रामा पूरा कंप्लीट।
मान लो एच डक पे छेद किया छोटा सा ए एरिया का, कितनी वेलोसिटी से पानी निकलेगा? अंडर रूट 2gh से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्राण नहीं निकल ले भाई। अब देखो बेटा, एक सेकंड में वॉल्यूम कितनी बाहर निकलेगी? वॉल्यूम फ्लो रेट को क्यू से डिनोट करते हैं, ए इंटू बी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतनी वॉल्यूम बाहर निकली। मास कितना बाहर निकला? मास फ्लो रेट को क्यू एम से डिनोट कर देते हैं, रो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। इतना मास बाहर निकला। अंदर मोमेंटम क्या था? जीरो। बाहर आके मोमेंटम क्या हो जाएगा? एक सेकंड में मोमेंटम में क्या चेंज है? इतना मास निकला और कितनी वेलोसिटी से? तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, एक सेकंड में मोमेंटम में कितना चेंज है? रो ए वी लिख देते हैं एक बार इसको, ताकि ए इंटू वी, इतनी वॉल्यूम निकली, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इतना मास। बाहर आके वेलोसिटी वी होगी, अंदर जीरो थे, तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम एक सेकंड में। उतना ही इस पर फोर्स लगाओ भैया, जो फ्लूइड बाहर निकला उस पर इतना ही फोर्स लगाओ ना, है ना? और ये कितना है? रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या है? टू जी एच, टू रो जी एच ए। इतना इस पे इसने फोर्स लगाया, जो फ्लूइड निकला उस पे इतना फोर्स लग रहा है, तो इस पे इन टर्न उतना ही थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा, तो यही थ्रस्ट फोर्स है। कभी कह देंगे कि भैया इस पे रिएक्शन फोर्स कितना आएगा जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है? अगर बेटा आप सोचे तो देखिए, आप अपने कोई भी, आपके साथ कोई भी चीज है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज है, कोई भारी सी चीज ले लेते हैं, इसको अगर मान लो मैं कॉपी को उधर फेंकूं, तो मेरे मतलब ये तो बहुत ही हल्की, तो इस पे आपको फील नहीं आ पाएगी। आप अपने दोस्त के साथ खड़े हो, उसको धकेल के फेंकिए दूर, है ना, तो आपको फील आएगी बेटा प्रेशर, मतलब आपको फील आएगी थ्रस्ट, आपको मतलब रिएक्शन आएगा। तो मतलब ये पानी जब बाहर निकलेगा तो बेटा इस पे भी बेटा क्या होगा, ये भी थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि इस पे हम इसको हमने उठा के बाहर फेंका। रॉकेट प्रोपल्शन भी तो ऐसे ही होता है, फ्यूल को जला के फेंकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है, पढ़ भी चुके हैं रॉकेट प्रोपल्शन में, और यही तो बेटा वहां पर भी कंडीशन पड़ी थी हमने। बेटा इतनी वॉल्यूम बाहर निकली इनटू डेंसिटी इतना मास, और ये चेंज इन मोमेंटम आया एक सेकंड में, उसी को बोलते हैं फोर्स। खत्म। इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता कंटेनर वाली प्रॉब्लम पे, एंड यही मेरा लास्ट टॉपिक था। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, मैंने आपको जितना करा दिया ये मोर देन सफिशियंट है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बस इसको बहुत ध्यान से देखें, बढ़िया करके समझ लें, एक एक पॉइंट अगर आपने समझा है, एक एक पॉइंट अगर आपने नोट किया है, तो कोई भी किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने आएगा बड़े आराम से कर पाएंगे। बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस बनाई गई हैं, ताकि आप बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ पाएं और अच्छे से कर पाएं। चलिए बच्चों, बाकी बढ़िया, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।